बच्चे दे जम्मन तो लैके एक साल की उम्र तक जेकर ध्यान नहीं दोगे तो सारी उम्र थानू इसका खामियाजा भुगतना पै सकता है। कुछ तस्वीर थानू स्क्रीन पर दिखाने, ये छोटे छोटे बच्चे तुसी देख रहे हो जिन्हां दे सिर ते एक छोटी जी डिवाइस लगी हुई है। ये कुछ ऐसे बच्चे ने जे इन्हां दा ट्रीटमेंट नहीं हुंदा तां ये हमेशा सोसाइटी के उत्ते एक बोझ मन्ने जांदे ने। इन्हां बच्चों लई साडी समाजिक जिम्मेदारी ये है कि इन्हां बच्चों नूं टाइमली असीं डिटेक्ट कर सकीए कि इन्हां नूं ये प्रॉब्लम है अते टाइमली इन्हां दा इलाज कर सकीए। जे हर बच्चे दे विच जो पैदा होंदा तां ब्रेन दे कुछ एरियाज फिक्सड हुंदे आ कि ये बोलन दे काम आना, ये सुनन दे काम आना, ये देखन दे काम आना, बट जो कोई ब्रेन का एरिया यूज नहीं होंगा तो वह हौली हौली खत्म हो जाता। इस तरह का बच्चा है कोई जिहड़ा सुन नहीं सकता पैदाइशी, उसने कभी आवाज़ में सुनिया नहीं, वो लिए ये दुनिया बिल्कुल साइलेंट है। ऑलराइट, तो उसका वो ब्रेन का एरिया जिहड़ा सुनन दे काम आता है वह यूज नहीं होया, अते जे वो कुछ साल तक यूज नहीं होंदा तो खत्म हो जाएगा। बट जे पेरेंट्स थोड़े अवेयर है और सजग है तो वो इसनों टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह जे सपोज करो थोड़ा बच्चा तुसी एकदम कोई उच्ची आवाज़ होंदी है या कोई खड़का होंदा उहदे नाल एकदम उसकी नींद नहीं टुटदी या वह घबरांदा नहीं, तो यह मतलब हो सकता उसनों सुनदा ना हो, या वो विद टाइम उसकी स्पीच डिले हो रही है। सो ए दीज आर अर्ली साइंस जिदे नाल जिहड़े सजग पेरेंट्स है वो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट कितना सक्सेसफुल है, इसका सक्सेस रेट की? सो कॉकलियर इम्प्लांट इज ए बून फॉर सच चिल्ड्रन, वरदान है ना इन बच्चों लिए। ए बट टेक्निक है इहदे नाल इहो जे बच्चे 100% सुनन लग जाते। उन्हां दे पहला कुछ असी टैसट कराने, कुछ रेडियोलॉजिकल टैसट आते हैं और जे वो नॉर्मल है तो ये श्योरिटी होंगी है कि बच्चा सुनेगा। और जेड़ा बाय बर्थ बच्चा डेफ है जो सुन नहीं सकता तो उसको बोलने से भी होनी दिक्कत है। सो जेड़ी अपनी स्पीच है दिस इज ड्यू टू आवर हियरिंग, ये अपन सब तो पहला ही टोटली डिपेंड है। हाँ, कि जे अपनी हियरिंग नहीं है तो अपनी स्पीच नहीं होगी। जे 18, 19, 25, 30 साल की उम्र एकोदम बंदा डेफ हो जाता या बोला हो जाता है तो कि उसका कोई इलाज है? क्योंकि तुसी कहा जे बच्चे नूं बाय बर्थ हुंदा है तो 5 साल की उम्र तक वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, उस तो बाद रह सकता है। जेडे बच्चे पैदाइशी जिन्हां नूं सुनदा नहीं उन्हां लई ये टैक्निक जिन्नी जल्दी हो जाए बैटर है, बट मैं तुहानूं दस्सिया वी ब्रेन का एरिया खत्म हो जाता है। सो बट एक बारी जे बच्चे ने सुनिया और उसका सुनन का एरिया डेवलप हो गया है और उसका बोलन का एरिया भी डेवलप हो गया है तो फिर वो बाद दे एज दे विच भी एक कॉकलियर इम्प्लांट वर्क करता है क्योंकि ब्रेन के वो एरिया डेवलप हो चुके हैं। सो ईवन एट एनी एज, सपोज कर लो कोई बुढ़ापे दे विच आके थोड़ा सुनाई बंद हो गई, ईवन एट द एज ऑफ 80 ईयर्स 90 ईयर्स भी एक कॉकलियर इम्प्लांट नाल उसकी सुनाई नू वापस लिया जा सकता है। तुसी कोई रीसेंट सर्जरी कीती हुई? हाँ, हम रीसेंट साढ़े लिए बहुत फकर की गल है, जिहड़ी सब तो रीसेंट सर्जरी असी कीती है उस दे विच असी इस वर्ल्ड का लेटेस्ट इम्प्लांट यूज किया है। वो इम्प्लांट हले 4 नवंबर में लॉन्च हुआ सी एंड वो इस दुनिया का सब तो छोटा अते सब तो पतला इम्प्लांट है। दीप हॉस्पिटल लिए अते साडे टीम लिए बहुत फकर की गल है कि ये असी पूरे पंजाब ही नहीं पूरे इंडिया ही नहीं पूरे साउथ एशिया दे विच पहली बार असी कीता है। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं सुमनजीतली स्वागत करती हूँ। एक नव जम्मे बच्चे प्रति माँ की जिम्मेवारी सिर्फ इन्नी नहीं है कि उसनों टाइम पर फीड दे रही है, उसके डायपर चेंज कर रही है, नुहा धुआ रही है और जरूरी दवाइयाँ दे रही है। एक अजिही खास गल वल ध्यान देना बहुत जरूरी है, बच्चे के जम्मन तो लैके एक साल की उम्र तक जेकर ध्यान नहीं दोगे तो सारी उम्र थानू इसका खामियाजा भुगतना पै सकता है। अज साढ़े नाल माहर मौजूद ने और गलबात कुछ अजिही करनी है जिसका जिक्र शायद अज तो पहला किते नहीं होया। उस तो पहला कुछ तस्वीर थानू स्क्रीन पर दिखाने, ये छोटे छोटे बच्चे तुसी देख रहे हो जिन्हां दे सिर ते एक छोटी जी डिवाइस लगी हुई है।
तो डॉक्टर कपिला साढ़े नाल मौजूद ने, गलबात कर लैंदे आ। बच्चे जिहड़े सुन नहीं पाते जिन्हां नूं बोले कहा जाता है पंजाबी दे विच ते अंग्रेजी दे विच डेफ कहा जाता है, इस बारे अज खुल के चर्चा करनी है सी। बिल्कुल, सब तो पहला थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है सोशली, जिन्हां नूं तुसीं इस नूं लैके आए हो और दर्शकों सामने रखे है, क्योंकि ये कुछ एहो जे बच्चे ने जे इन्हां दा ट्रीटमेंट नहीं हुंदा तां ये हमेशा सोसाइटी दे उत्ते एक बोझ मन्ने जांदे ने। बट ये नॉर्मल बच्चे हुंदे है जिन्हां दा आई क्यू नॉर्मल नालों भी ज़्यादा हो सकता है, और ओहो जे उन्हां दा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो बिल्कुल मेन स्ट्रीम च आ सकते हैं। बट इन्हां नूं हमेशा डैफ एंड डम कहा जाता है। डम मीनस मंदबुद्धि वाला बच्चे का इन्हां नूं कहा जाता है, इन्हां ते लेबल लगा दिता जाता है, ना समझ लगा दिता जाता। क्यों? क्योंकि सुन नहीं सकते, और जो ये सुन नहीं सकते तो ये बोल नहीं सकते। और इन्हां बच्चों लई साडी समाजिक जिम्मेदारी ये है कि इन्हां बच्चों नूं टाइमली असी डिटेक्ट कर सकीए कि इन्हां नूं ये प्रॉब्लम है, और टाइमली इन्हां दा इलाज कर सकीए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक हो सकते। एक तुसी एज लिमिट दसी सी कि जेकर एक साल की उम्र तक इलाज हो जाए तो बेहतर है, वध तो वध पांच साल की उम्र तक, जे नहीं हुंदा तां की? सो ये इस तरह है कि इन्हां बच्चों हर बच्चे दे विच जो पैदा हुंदा तां ब्रेन दे कुछ एरियाज फिक्सड हुंदे आ कि ये बोलन दे काम आना, ये सुनन दे काम आना, ये देखन दे काम आना। बट जदों कोई ब्रेन दा एरिया यूज नहीं हुंदा तां ओह हौली हौली खत्म हो जांदा। जिस तरह जी आपां सपोज करो जन्म हुंदे ही बच्चे दे अखां ते पट्टी बन दिंदे आ अते उसनू पट्टी नू ना खोलीए एक साल, तां जदों आपां खोलांगे तां चाहे उस बच्चे दी अखां नॉर्मल है बट ओह देख नहीं पाऊगा। इसे तरह जे इस तरह दा बच्चा है कोई जिहड़ा सुन नहीं सकदा पैदाइशी, अते उस लई उसने कभी आवाज़ नू सुनिया नहीं, उहदे लई इह दुनिया बिल्कुल साइलेंट है, ऑलराइट, तां उसदा वो ब्रेन दा एरिया जिहड़ा सुनन दे काम आंदा वो यूज़ नहीं होया, अते जे वो कुछ सालों तक यूज़ नहीं हुंदा तां वो खत्म हो जाएगा। फिर चाहे उसनू आपां साउंड दवांगे भी तां वो उसनू सुन नहीं पाऊगा। बहुत बार इदां हुंदा है, माँ बाप पहलां तां ध्यान नहीं दिंदे जदों बच्चा छोटा हुंदा, इंज लगदा कि अजे तां उम्र बहुत छोटी है, जदों थोड़ा वड्डा होएगा शायद सुनन लग जाए, समझण लग जाए, तो बोलन लग जाए, पर उदों तक समां निकल जांदा है, फिर जदों समझ आउंदी है तां हेयरिंग एड लगवा दित्ती जांदी। सो इह साडे लई इक बहुत बेबसी वाली कंडीशन हुंदी है जदों बहुत सारी पेरेंट्स लैके आउंदे आपदे 10 साल के बच्चे नूं, अपने 12 साल के बच्चे नूं, कोई 18 साल के बच्चों भी लेके आते हैं कि असी हुण जिन्ना मर्जी पैसा खर्च कर दिए असी तैयार हाँ बट साडे बच्चे नूं सुनन ला दिओ, बट उत्थे असी बेबस हुंदे आ। हुण असी उदों कहिंदे आ वी हुण असी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जे तुसी इस बच्चे नूं 5 साल की एज या उस तों पहलां लैके आते तां इह अज बिल्कुल बच्चा नॉर्मल हो जाता। अजक ना एक नवा ट्रेंड चल गया है, बच्चा होंगे तो नाल ही नैनी रख दी जाती है, या एक छोटी जी बच्ची जी आप 10-12 साल की होंगी है उन्होंने एक नवजम्या बच्चा फड़ा दे बच्चा जोड़ा फड़ा दिता जाता है कि इसकी टेक केयर तू करनी है, उन्होंने तो आप समझ नहीं होंगी, वह माँ को किमें कन्वे करेगी कि यह सुन नहीं पा रहे? बिल्कुल, देखो ये अपने इंडिया के हाले तक यूनीवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, मीनस हर बच्चा जरा जो पैदा होंगे वह हेयरिंग टेस्ट नहीं होंदा, जो कि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने विच है। हालांकि साढ़े हॉस्पिटल दे विच एवरी बॉर्न दीप हॉस्पिटल दे विच जेड़ा बच्चा होंदा उहदा न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट होंदा, जिदे करके ये चीज़ मिस हो जाती है। बट जे पेरेंट्स थोड़े अवेयर है और सजग है तो वह इसनू टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह जे सपोज कर लो थोड़ा बच्चा तुसी एकदम कोई उच्ची आवाज़ हुंदी है या कोई खड़का हुंदा उहदे नाल एकदम उसकी नींद नहीं टुटदी या वह घबरांदा नहीं, तो यह मतलब हो सकता उसको सुनता ना हो। फिर जिमें जिमें बच्चा कुछ महीनों का होंगे जो उस साउंड नू फॉलो नहीं करता, मान लो उसनू खिलौने की साउंड है, कोई म्यूजिकल साउंड है और वह मूव हो रही है और वह अपना सिर नहीं घुमाता उस साउंड नू फॉलो कर लिया, तो यह मतलब उसनू प्रॉब्लम हो सकती है। वह खड़के नू सुन के कुछ अपना रिएक्शन नहीं दिता, ठीक है, या वो विद टाइम उसकी स्पीच डिले हो रही है। सो ए दीज आर अर्ली साइंस जिदे नाल जिहड़े सजग पेरेंट्स है वो इसनों डिटेक्ट कर सकते हैं। बट यस, तुसी कहा कि नैनीज उन्हां नूं कोई मतलब नहीं है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, मावां नूं ध्यान देना, मावां नूं पेरेंट्स नूं ध्यान देना। कॉकलियर इम्प्लांट किन्ना सक्सेसफुल है, इहदा सक्सेस रेट की? सो कॉकलियर इम्प्लांट इज़ ए बून फॉर सच चिल्ड्रन, वरदान इन्हां बच्चों लई,
एंड एक टेक्नोलॉजी अपने इंडिया दे विच दो ढाई डिकेड्स तो ही आई है, पहला ये टेक्नोलॉजी सीगी नहीं। सो ये बट टेक्नीक है ये दिन नाल एहो जे बच्चे 100% सुनन लग जाते हैं। उन्हां दे पहला कुछ असी टेस्ट कराने हैं, कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट आते हैं, और जो नॉर्मल है तो यह श्योरिटी होंगी है कि यह बच्चा सुनेगा। नाउ ये डिपेंड करता है कि यह जिहड़ा इम्प्लांट है वह किस एज ते होया। जिस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ एहो जे आ जिन्हां दे विच 6 महीने तो 8 महीने दे विच ये इम्प्लांट कर दिता जांदा, अते वो बच्चे नॉर्मल बच्चों वांगू बाय द एज ऑफ 1 ईयर सुन के बोलन लग जाते, और नॉर्मल बच्चे तो उन्हां दे विच कोई फर्क नहीं होंदा। बट साढ़े देश दे विच इम्प्लांट जिहड़ा लेट हुंदा, कईयां दा 2 साल ते हुंदा, कईयां दा 4 साल ते हुंदा, कईयां दा 5 साल ते हुंदा। तां इम्प्लांट करन तो बाद वो बच्चा सपोज कर लो एक 4 साल का बच्चे दे असी इम्प्लांट किया तो वह पहली बारी 4 साल बाद साउंड नू सुनेगा, राइट। सो साउंड नू सुनना और उसनू समझना एक दिस इज ए प्रोसीजर, इनू टाइम लगता है। सो पहला जो सुनते हैं तो असं देखते हैं पहला बच्चे डर जाते हैं भी ये मैनू की हो रहा, पहली बारी सुने है ना। सो फिर उसकी साउंड नू एडजस्टमेंट की जाती है, NRT की जाती है, उसनू स्लो किया जाता है ताकि वह घबराए ना बच्चा, ठीक है। फिर उस साउंड नू थोड़ा थोड़ा नॉर्मल किया जाता है, फिर विद टाइम वो बच्चा उस साउंड के मायने समझने लगता है, फिर उसके यूज टू हो जाता, फिर वो हौली हौली स्पीच डेवलप करता। सो आप देखते हैं कि नॉर्मल बच्चा 1 साल लगता है बोलन दे विच, इस तरह कॉकलर इम्प्लांट तो बाद भी 1 साल लगता है बच्चा स्पीच डेवलप। और जो बाय बर्थ बच्चा डेफ है जो सुन नहीं सकता तो उसको बोलने में भी उतनी दिक्कत है। सो जी अपनी स्पीच है दिस इज ड्यू टू आवर हेयरिंग, ये अपन सब तो पहला टोटली डिपेंड है। हाँ, कि जे अपनी हेयरिंग नहीं है तो अपनी स्पीच नहीं होएगी। जे सपोज कर लो अज भी किसी अडल्ट परसन की मान लो मेरी हेयरिंग चली जाए तो हौली हौली ओवर द पीरियड ऑफ ईयरस मेरी स्पीच भी चली जाएगी, या मेरी स्पीच इस तरह हो जाएगी कि लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो मैं बोल रहा वो मैं सुन भी रहा और उदे नाल नाल मैं ये जज भी कर रहा भी मैं ठीक बोल रहा। सो मेरी सुनाई हमेशा एक रोल प्ले करती है मेरे बोलन दे विच। सो जे अपनी सुनाई है तदी अपनी बोली है। जे 18, 19, 25, 30 साल की उम्र एको दम बंदा डेफ हो जाता है या बोला हो जाता है तो कि उसका कोई इलाज है, क्योंकि तुसी कहा जे बच्चे नू बाय बर्थ हुंदा तां 5 साल की उम्र तक वो बिल्कुल ठीक हो सकता, उस तो बाद रिस्क है, उस तो बाद नहीं। हाँ जी नहीं, बट ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा तुसी। सो जेडे बच्चे पैदाइशी जिन्हां नू सुनदा नहीं उन्हां लई इह टैक्नीक जिन्नी जल्दी हो जाए बैटर है, बट मैं तुम्हें दसा भी ब्रेन का एरिया खत्म हो जाता। सो बट एक बार जो बच्चे ने सुनया और उसका सुनन का एरिया डेवलप हो गया और उसका बोलन का एरिया भी डेवलप हो गया तो फिर वो बाद दे एज दे विच भी एक कॉकलर इम्प्लांट वर्क करता, क्योंकि ब्रेन के वो एरियाज डेवलप हो चुके हैं। सो ईवन एट एनी एज सपोज कर लो कोई बुढ़ापे दे विच आके थोड़ा सुनाई बंद हो गई, ईवन एट द एज ऑफ 80 ईयर्स 90 ईयर्स भी एक कॉकलर इम्प्लांट नाल उसकी सुनाई नू वापस ले आया जा सकता। एक असी बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो गए हैं कॉकलर इम्प्लांट जो होंगे तस्वीर दिखाई हैं तो कान के पिछे अते सिर ते इत्थे इस हिस्से ते एक मशीन जी लग जाती, एक डिवाइस लग जाती है छोटी जी, तो लोग वैसे तो सारा दिन कन्ना च हैडफोन्स पा के ट्रैवल कर सकते हैं एक थान तो दूसरी थान, पर एक छोटी जी मशीन नाल अटैच हो जाती है तो शायद लोगों को इतराज़ होंगे कि सारी उम्र एक क्यों ना लगा के। सो ये प्रॉब्लम असी भी डे टू डे केसिस दे विच पेरेंट्स वालों फेस करते हैं, एक सोशल स्टिगमा है होर कुछ नहीं है, एक सोच है जिहड़ी उन्हां नूं रोकदी है। सो इहदे विच रियलाइज़ करना ये जरूरी है कि इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा सुने और सुन के वो नॉर्मल जिंदगी जिए रैदर दैन के वो एक छोटी सी डिवाइस तो डरन। हुण आपां अजकल आलमोस्ट हर तीसरे या चौथे बच्चे नूं स्पैक्स लगियां हुई हैं। सो की स्पैक्स तो एड्डी वड्डी दोनों आईज कवर कर दिया तो जे एक इत्थे छोटी जी डिवाइस लग जाएगी तो की वड्डी प्रॉब्लम कि बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है कॉकुलर इम्प्लांट का। सो इहदे विच इह है कि जो इम्प्लांट की कॉस्ट है वह ज़्यादा है, सर्जरी की कॉस्ट इन्नी नहीं है, बट जो कॉकुलर इम्प्लांट की कॉस्ट है वह ज़्यादा है, वह अराउंड 6 लाख रुपए तो शुरू होती है। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट वालों हले तक इस दे लई कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਚ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਈਵਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿਰਫ 1000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ, 3,99,000 ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰਕੇ। ਕੀਮਤ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ 60 ਈਅਰਸ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਟਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ 60-70 ਈਅਰ ਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ, 10 ਸਾਲ ਰਹੇ, 15 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਪਰ ਈਅਰ ਜਾਂ ਪਰ ਡੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹਲੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਈ, ਦੀਪ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਇਰ ਸਿਟੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਂਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਟਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਕੂਲਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।